କରୋନା କାଳରେ ମାରୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଡୁଛି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ, ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ। ଏକ୍ୟୁଆଇ 450 ବାର, ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ଥିବା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରହିଛି 442, ଆର୍କେ ପୁରମ୍ରେ 407, ଦ୍ୱାରକାରେ 421 ଏବଂ ବାୱାନାରେ 430 ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଗୁରୁତର ବର୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। दिल्ली का पोल्यूशन तो ये हर साल इस मौसम में, अक्टूबर नवंबर के मौसम में हर साल ये दिक्कतें आती हैं, चाहे वो पराली जलाने से कह लो या दिल्ली के जो वाहनों का जो प्रदूषण है उसकी वजह से कह लो, ये दिक्कत तो है दिल्ली में। नहीं नहीं, दिल्ली सरकार तो जैसे रोड पे मदाड़ी खेला दिखाता है, पुड़िया बेचता है, दो दो रुपये की बेवकूफ़ बना के चला जाता है, वही हाल है। चुनाव के समय में आते हैं, बेकूफ बनाते हैं, चले जाते हैं। अब बिजली पानी अब आज में देख लो क्या हाल है, कुछ नहीं। दिल्ली के पोल्यूशन से तो हर इंसान परेशान है, और एक नागरिक होने के रीज़न से जो हमारा कर्तव्य बनता है वो हमें भी पूरा करना चाहिए। जो मेरे ख्याल से इट बिकम्स ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न टू डू देयर पार्ट। पोल्यूशन को लेकर जो भी दिल्ली सरकार कर रही है, जो स्टेप्स ले रही है, उनकी कोशिश तो अच्छी है, बट यही है कि कितने लोग उस चीज़ को मानते हैं, कितने लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। बाकी तो देखिए, पंजाब हरियाणा वालों से बोलिए कि थोड़ा सा पैडी को कम जलाएं या कुछ और डिफरेंट मेजर्स लेके आए, तो शायद उनके हमारे नेबरिंग स्टेट्स के कारण दिल्ली वाले थोड़ी अच्छी सांस ले पाए। दिल्ली गवर्नमेंट का तरफ से जो एक कमी ये रही है कि उन लोगों की जो पकड़ है सिर्फ जो रोड पर चल रहे हैं उनके ऊपर है, लेकिन जिसके ऊपर अभी तक पकड़ नहीं बना पाए हैं। 6 साल के अंदर अगर ये ग्राउंड लेवल पे वर्क करते, या इनके साथ जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे सिविल डिफेंस है या आपका दिल्ली पुलिस है, अगर ये सब मिलके, अगर बीट ऑफिसर भी एक नज़र रखता या दिल्ली पुलिस की तरफ से नज़र रखी जाती नीचे, कि नीचे स्तर पे क्या, तो उसमें क्या होता कि लोकल सपोर्ट मिलता। अभी सब ये लोग ले रहे हैं सिर्फ गाड़ियों का कि गाड़ी को ऑन ऑफ कर दो, ठीक है होगा, लेकिन 100 में से 30% मैक्सिमम आप लेके चलें कि 30% पॉल्यूशन गाड़ियों का होगा, 40 होगा, 50 होगा, लेकिन जो आधा 50 है उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, क्योंकि लोकल तो स्तर पे जो है ग्राउंड जो है उनको ये कवर नहीं कर पा रहे। दिल्ली रे बे वायु अत्यंत खराब स्थिति रे पहुंची, प्रदूषण चलित वर्ष समस्त रिकॉर्ड भांगी छि, एक्यूआई 400 अतिक्रम कर छि, जहाक ने सुप्रीम कोर्ट कड़ा चेतावनी दे छथि, कहिछथि प्रदूषण ह्रास पाइ निया जाउ शीघ्र पदक्षेप। अदालत रे सुनानी समय रे प्रधान विचारपति कहिछथि जे प्रदूषण प्रसंग रे अनेक कमिशन कार्य करछथि, किंतु शहर रे धुआं नाही बोली सेमाने प्रमाण करबा आवश्यक। प्रशासनिक शासन कला एवं अर्थ बल थाई मध्य काही कि दिल्ली रे प्रदूषण को रोका जाई पारि नाही, से नै कड़ा टिप्पणी करछथि सॉलिसिटर जनरल। सेपरि सरकार को कोर्ट रे कहा जाईथिला जे वायुर गुणवत्ता उपरे निर्मित कमिशन आज ठारु कार्य आरंभ करिवे, जहां सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करिवे। अन्यपटे दिल्ली रे प्रदूषण प्रसंग रे कार्य करबा को केंद्र सरकार एक कमिटी गठन करछन्ती। एही कमिटी रे कार्यकाल 3 वर्ष पर्यंत रहिबो। जो प्रदूषण की समस्या है उसका ठीक प्रबंधन करने के लिए एक सरकार ने अध्यादेश निकालकर आयोग की स्थापना की है। इस आयोग के अध्यक्षता पेट्रोलियम के पूर्व सचिव और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर एमएम कुट्टी करेंगे। अब ये जल्दी काम शुरू करेगा, सबके साथ, सबको साथ लेकर, और आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों को और राज्यों को भी साथ लेकर। उत्तर भारत में जो प्रदूषण होता है और खासकर दिल्ली और नजदीक के शहरों का जो एयर शेड है, उस एयर शेड के प्रदूषण को मात देने के लिए आवश्यक उपाय और कार्रवाई ये आयोग करेगा। दिल्ली रे वर्तमान स्थिति रे एक्यूआई बा वायु रे प्रदूषण मात्रा वृद्धि पाई छि। निकट रे प्रदूषण समस्या को दृष्टि रखी दिल्ली सरकार दीपावली रे बाण फुटाइबा उपरे प्रतिबंधक लगाइबा को निष्पत्ति नै छथि। दिल्ली रु गगन विश्वाल रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।